पुलिस थाने अंतर्गत रेत माफिया को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में पुलिस गश्त के चलते पुरुषोत्तम बाजार की ओर से शताब्दी चौक की तरफ जा रहे टिप पर क्रमांक NH40BM1403 पर पुलिस को संदेह हुआ और उसे रोककर पूछताछ किए जाने पर टिप्पर में अवैध तरीके से रेत लाने की बात सामने आई। पुलिस ने तुरंत उस टिप्पर को कब्जे में लेकर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि यह टिप्पर लोकेश जैन के नाम से है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि करीब 15 वर्ष से लोकेश जैन यह अवैध रेती व्यवसाय में लिप्त है, जिससे इस अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति हासिल की है। कलमला क्षेत्र में आलीशान घर और लिगांव में गट्टू की फैक्ट्री है। लोकेश जैन यह एक बहुत ही बड़ा माफिया है, आए दिन सुर्खियों में रहता है और सबको इसकी देन जाती है। इस पर पहले भी इसी रेत मामले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पैसे के बल पर छूट गया था। मध्य प्रदेश से और भंडारा के सिहोरा के पास से यह रेत बिना रॉयल्टी के लाने की बात सूत्रों द्वारा बताई गई। इसकी पूरी तहकीकात की जाए और गहनता से जांच करी जाए तो लोकेश जैन का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। पुणे शहर के शोरिया कंपनी से सभी गाड़ियों की अगर ट्रैक मंगाया जाए तो और भी खुलासा हो सकता है। बेलतरोदी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक मुकुंद कवाडे ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में लोकेश गोविंदलाल जैन टिप्पर मालक, भरतवाड़ा कलमना निवासी, प्रेमलाल बिसनवाट चालक मौदा निवासी और विशाल टिकाराम मदावी लालबर्रा बालाघाट निवासी ये है। और इन आरोपियों पर 50/24, 379 भांडवी पर्यावरण सुरक्षा एक्ट के तहत 48/7, 48 जमीन आय एक्ट 130/77 तहत कार्यवाही की गई और आज न्यायालय समक्ष भेज 20 जनवरी तक PCR मांगा गया, लेकिन न्यायालय ने आरोपियों को MCR की कार्यवाही कर सीधे जेल भेज दिया गया। आरोपियों से टिप्पर क्रमांक NH40BM1403 कीमत 14 लाख 6 ग्रास रेती कीमत 30,000 और मोबाइल कीमत 6,000 करीब 14,36,000 का माल जब्त किया गया। आगे की जांच पुलिस करने की बात कही।